तो सुबह सुबह यात्रा हो गई है शुरू। मिर्च दे दो, कोई देख रहा है बेचारा। हुई इसमें देखिए गाइस, सिड्डू आ गया है और इतने अच्छे से सर्व किया है इन्होंने। यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है, हमने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वही गाड़ी चला रहा है पूरी। बेटू ड्राइवर नहीं बनना मेरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो आप सोच रहे होंगे सुबह के 4 बजे हम क्यों रेडी हुए हैं, तो हम आपको आगे बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो। तो गाइस, कोको भी उठ गया है, शायद इसको भी पता लग गया है कि हम जा रहे हैं सुबह सुबह। कैसे पता लगा आपको? चाय? अच्छा, ऐसे पता लगा। तो सुबह सुबह यात्रा हो गई है शुरू और हम जा रहे हैं अभी बहुत दूर, 9 घंटे की ड्राइव है और फिर आपको आगे पता चलेगा हम कहाँ जाते हैं। वैसे तो पता ही होगा, आपको गेस कर ही लिया होगा, बट अभी सोलन से शिमला और उसी रास्ते से उठे जाएंगे हम। बाकी ये अभी एक नींद लगी और ब्लॉग डालने के चक्कर में हम लेट हो गए, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की इशू रहता है, तो हमने सोचा कि अपना ब्लॉग डाल के ही जाए। तो माउंटेन्स दिखना शुरू हो गए हैं। मेरा बेटा भी उठ गया है, अब क्या बचा रहा है। और आगे गेट आ गया है, वेलकम टू हिमाचल का। तो हम पहुंच चुके हैं हिमाचल की बाउंड्री पे। सुबह की पहली किरण बस दिखने वाली है थोड़ी देर में, मुझे लग रहा है वहां से गोल्डन हो गया उस साइड से। तो हम रुक गए हैं यहाँ पे परांठे खाने के लिए। क्या है, स्नैक लाइट है ये? बेबी गए हैं हमारे पराठे। एक तंदूर परांठा है, ये तंदूर परांठा, ये नॉर्मल परांठा, चाय। मैं बेटी क्या खाएगी? काकू के लिए सिंपल परांठा बन रहा है। कैसा है? मक्खन नहीं है तो वो तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना। भाई यार मक्खन मिलेगा नहीं है। मक्खन की टिक्की होती है छोटी, दे दो, कोई देख रहा है बेचारा। मिर्च से हुई इसमें? मिर्च वेरी मिठी। कैसे कर रहा है? क्यों करता रहता है बेटू? कको अपने ब्रांड के खा चुके हैं। लगते नहीं इसको खाने, इतना ही खाएगा सुबह सुबह, काफी खा लिया इसने, बड़ा तो पराठा है। मेरी तेरे अगते अख तन्नू ता चुने फाइनली शिमला हम पहुंच चुके हैं। दूसरी की टनल, कौन सी टनल है? और मैं बोल भी रहा था कि अंदर वाले रास्ते से चलते हैं, सोच कि बाहर निकलते अब सारे हॉर्न मारते रहेंगे। 1 घंटा निकलना पूरा पहुंचने को, शिमला से निकलने को लगता है इतनी देर में, हमने बना आते रास्ते में शिमला से जाना। चलो शिमला से
अरे जी को यहाँ से नहीं जाती लिफ्ट, तो दूसरी साइड से है शायद। हाँ बोर्ड बस साइड से करेंगे जाते है, तो यहाँ से भी दीदी को चल। तो हम आए हैं यहाँ सिड्डू खाने के लिए, इतनी प्यारा सा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ मिलता है हिमाचल का सबसे टेस्टी सिड्डू, यहाँ हिमाचल का सबसे टेस्टी सिड्डू मिलता है, और हम जब भी आते हैं हम खाते हैं। लोकेशन चेक कर लीजिए, सिड्डू बिल्कुल रोड साइड में ही है। वॉशरूम तो चलो, नहीं आना आपको यहाँ से। ये क्या है वॉशरूम? अच्छा यहाँ से भी आ रहा तू आ गया ना। ये देखिए गाइस सिड्डू आ गया है, इतने अच्छे से सर्व किया है इन्होंने, कांसे के गिलास, बॉटल, सिड्डू, घी और चटनी। चलो खा के बताओ कैसे है। वैसे तो खाए ही हमने, फिर भी यार बहुत ही फ्लफी से हो जाते हैं देखना। ओहो इनको देख के ना, इसे क्या बात है, क्या बात है। थोड़ी अपनी साइड खींचो प्लेट है, घी के साथ खाते यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पेड़ वेड़ अच्छी, ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा है। देख स्टफिंग पास होगा, ये देख लीजिए स्टफिंग। मुझे जान नहीं पाई मैं इसकी स्टफिंग किस चीज़ की है। ये कुछ है पर तो चलो हम सिड्डू एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। भाव लगे हुए हैं रामचंद्र जी के कान में सिड्डू जब आते हैं। इन्होंने पहले जय श्री राम बोला, हम इंटर हुए लास्ट वाइट जैसे बोलते हैं नमस्ते नमस्ते, वो स्वागत करते हैं लास्ट वाइट है और क्रिप्ट हो जाते हैं। जिसमें बलि इंद्र है और गोविंद उपेंद्र है। भगवान मत्स्य बनकर यहाँ पे थोड़ा ना देखेगा बाहर। उन्होंने वो चल रही है ना क्योंकि, और नहीं लोकेशन भी बहुत प्यारी है ना इन्होंने बना रखा, इतनी क्लीन है, अच्छी है। वॉशरूम्स भी काम करते हैं, वॉशरूम्स भी बहुत साफ है, के नाम और एकदम है बेबी। यहाँ से भी रास्ता जाता है देखिए अंदर से, ये गाइस ये है लोकेशन, अगर किसी को ना पता हो इससे वो सोलह का पूर्ण नहीं है। जिद्दी बच्चे को इतनी ज्यादा जिद करना था ना, इतनी ज्यादा जिद कर रहा था कि इसको बिठाना ही पड़ा ऐसे। पता नहीं क्या मजबूरी है इसको गाड़ी सीखने की, मेरी की मजबूरी है। मौसम हो गया है मस्त सा, ऊपर मतलब कोको बेटा बस करो अब आ जाओ पहले वो पंच को यहाँ से जब को यहाँ से चला मैंने बच्चा ची ची ती 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 यार क्या है ये बंदा ये वही गाड़ी चला रहा है पूरी बेटू ड्राइवर नहीं बनना मेरे बच्चे गाड़ी चला रहा है बंदा गाड़ो ड्राइवर बच्चे ड्राइवर ड्राइवर नहीं बनना है ये बेटा मेन रोड है ये गंदी बात नहीं करते हैं ये पकड़ खींच इसको अब ड्राम में खुश हो रहा है
भाई मोड़ने दो कह सकते हैं हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट और थोड़े सा ही दूर था हमें और अब ये बीच में ट्रक खड़ गया क्योंकि मशीन इसके ऊपर चढ़ेगी। सुबह के 5 बजे से गाड़ी चला चला के मैं गया हूँ थक से तो निकल गए ट्रक से। थोड़े से और आगे आए तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या यार वो घर पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है जब नजदीक पहुँच जाते हैं बिल्कुल। ये देखो मजनू का पेड़ कितना सुंदर है ये वाओ। हाय हाय कोको फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये देखो आजकल ऑर्चर्ड्स कितने सुंदर लग रहे हैं फ्लावरिंग हो गई है। ये देखिए ऑर्चर्ड्स इतनी सारी मधुमक्खियां हैं इसमें फ्लावरिंग हो रही है इसीलिए आजकल तो बहुत सुंदर लग रहा है बहुत प्यारा। तो इनके पास इतना सारा सामान है अच्छे लग रहे हैं ना सेब फूले फूले बहुत प्यारे लग रहे हैं फूल बहुत अच्छे आ गए मैं पहली बार देखी। ये कौन है ये बड़े बड़े टीथ वाले ये नानू बड़ी बड़ी टीथ वाले बड़ी बड़ी टीथ वाले गंदू बच्ची आप सोए नहीं थे भी अरे हम तो पहुंच जाने चलती हो नहीं आंटी में कको यार जब बड़ी हुई है ना मोर क्या है नानू नानू का शादी मम्मी कर रहे हैं यहाँ पे छुप छुप के वेट। हाँ हाँ हेलो हेलो वेलकम नमस्ते क्या हाल है ठीक है सूजी आंखों के साथ चंडल को बनी है चंडली क्लैपिंग क्लैपिंग कर मस्ते जी कल मैं मस्ते एक एक चीज देखो मेरे बाल देखो इंगिदे तो देखो सब कुछ देखते क्लैपिंग कर दो किसका हाँ अभी सब कुछ देखेगा अब कहाँ जा रहे सब हो गए खाना खुना खा के फ्री और ये यहाँ पे लेट गए हैं। आप इसी जगह पे क्यों लेटते हो हमेशा फेवरेट प्लेस है मेरा अभी मैंने हटाया था यहाँ से देख फॉर्म लेके दिख रहा है मंदिर दिखता है सामने पहाड़ वैसे सबका फेवरेट प्लेस यही है मेरा भी यही है और कोको का भी ये भी ये खेलता है कोकड़ी तर्तर वाली का ये मैं तर्तरिया ये बिटू ऐसे करो नमस्ते जी करो नमस्ते जी करो करो बिटू अब ऊपर ही देखता रहेगा। यहाँ का मौसम चंडीगढ़ में गर्मी से आए एसी खरीदा है और यहाँ पे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा ही। अभी हम निकले हैं घूमने और बहुत ही ठंडा माहौल हो रखा है यहाँ का। कुत्तू गाय मर गया और हाल कहाँ जा रहे हूँ
ताऊ जी के घर जा रहे हैं मिलने। ये छोटे छोटे एप्पल के पेड़ है, अभी तो ये बड़े होंगे ना, लगते हैं इसमें भी, लग जाते हैं इनमें भी। अच्छा, अरे फूल लग गए हैं, बड़े सुंदर लगते हैं यहाँ पे। जिसे कहते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, मशरूम गुच्छी ढूंढने जाएंगे। एक जगह पता चली है हमें, खुफिया देखिए पेड़। अरे यहाँ ये शेरू बाकर है, इधर शेरू। ये आए हैं हम गुच्छी ढूंढने, पूरा पहाड़ छान मारा और हमें एक गुच्छी नहीं मिली अभी तक। बारिश में देखो, बारिश में गुच्छी ढूंढ रहे हैं, गुच्छी ढूंढ के, एक गुच्छी ढूंढ के जाएंगे। इतनी बारिश हो रही है और मेरे को बोल रहे हैं गुच्छी ढूंढनी है, बस ढूंढनी है, क्या पता हमारे सामने फटे अभी। उधर ने कर दिए है इस डॉगी के बुरे हाल। देखो क्या हालत हो गया इसका। तो गाइस अभी आगे हैं हम लोग सोने के लिए और बहुत थक गए आज, बहुत जल्दी नींद आ रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।